देखो क्या है, फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी कंडक्ट सेमिनार्स एट फोर डिफरेंट प्लेसेस, मुंबई, दिल्ली, पुणे एंड कोलकाता इन फोर डिफरेंट स्लॉट्स, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 10 PM ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. अच्छा, नीदर अ फ्रेंड कंडक्ट्स मोर देन वन सेमिनार इन अ डे नॉर अ फ्रेंड कंडक्ट सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस. अच्छा, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं क्या गिवन है, इसको समझो क्योंकि बिना इसको समझे कुछ नहीं होगा. ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है. कह रहा है ए बी सी डी सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं चार डिफरेंट प्लेसेस पे, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, चार डिफरेंट स्लॉट्स, 10, 2, 6 और 10 बजे ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक मंडे फ्रॉम मंडे. अच्छा, पहले हम बना लेते हैं. देखो मंडे ट्यूसडे यहाँ पे बना लेती हूँ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे. क्यों यहाँ पे बनाया, क्योंकि ऊपर हमें टाइम स्लॉट भी लिखना है और डेज भी, ये जो प्लेसेस है ये भी लिखना है. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है नीदर ए फ्रेंड कंडक्ट्स मोर देन वन सेमिनार इन ए डे नॉर ए फ्रेंड कंडक्ट्स ए सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस. अच्छा, तो हम अगर स्लॉट्स को सजाएं 10, 2, 6 और 10 बजे है, तो यहाँ पे 10, 2, 6 और 10 PM की बात कर रहा है. अब कह रहा है यहाँ पे समझो नीदर ए फ्रेंड, अगर आप इस लाइन को समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा इजीली, पजल आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली कर लोगे. क्या कह रहा है, नीदर ए फ्रेंड कंडक्ट्स मोर देन वन सेमिनार इन ए डे, मतलब अगर ए यहाँ पे 10 बजे मंडे कंडक्ट कर रहा है, नीदर ए फ्रेंड कंडक्ट्स मोर देन वन सेमिनार इन ए डे, तो ए यहाँ पे मंडे 2 बजे या 6 बजे कहीं पे भी नहीं करेगा. सिमिलरली एक और कह रहा है नॉर ए फ्रेंड कंडक्ट सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस, मतलब यहाँ पे एक एक प्लेस होगा. ये जो चार प्लेसेस है मुंबई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, कोलकाता, अगर मुंबई यहाँ पे है, पुणे यहाँ पे है मान लो, तो मुंबई में अगर ए मंडे कंडक्ट कर रहा है सेमिनार, तो कहीं पे भी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ए और नहीं होगा. यहाँ पे ए यहाँ पे हो सकता है ट्यूसडे, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है. और एक बात, अगर ए यहाँ पे होता है ट्यूसडे मान लो यहाँ पे है 2 PM पे, तो वेंसडे यहाँ पे होगा और थर्सडे यहाँ पे होगा, या फिर वेंसडे यहाँ पे होकर थर्सडे यहाँ पे हो सकता है. यानी डिफरेंट प्लेसेस होना चाहिए, या फिर सीक्वेंस ऐसा होगा. मैं इजीली आपको समझाऊं तो इजीली, इजी वे में अगर आपको समझाऊं तो ऐसे होगा ए बी सी डी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, ऐसे होगा ना कि कभी ऐसा होगा ए बी सी डी, ऐसे नहीं होगा. ए बी सी डी यहाँ पे जैसे होना चाहिए, सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी डी होना चाहिए. ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है. ऐसे भी हो सकता है कि सी बी डी ए, यहाँ पे सी डी बी ए, ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल एक पजल की तरह हो गया, जो गेम पजल्स होते हैं ना वैसे ही होगा, तो इजी होगा आपके लिए. ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो चलो हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. मैं बना देती हूँ पहले यहाँ पे. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे. ठीक है, 10 AM, 2 PM, 6 PM और 10 PM. ठीक है, यहाँ पे पीएम लिख रही हूँ क्योंकि ये जो है ये एएम है. ठीक है, अब प्लेसेस क्या क्या है वो अरेंज मत कर देना कि मुंबई पहले गिवन है तो ये मुंबई होगा. नहीं, हमें नहीं पता है कौन से स्लॉट पे, कौन से टाइम स्लॉट पे, कौन से प्लेस पे हो रहा है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या गिवन है. कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये मैंने रेड से किया हुआ. सेमिनार एट मुंबई इज शेड्यूल्ड एट 10 PM डेली. ये एक ऑलरेडी आपको कंफर्म गिवन है, मुंबई जो है डेली 10 PM पे कंफर्म गिवन है, ये होगा मुंबई. ठीक है, ये आपको गिवन. और क्या है, ए अटेंड सेमिनार इन कोलकाता एट लास्ट एमोंग हिज फ्रेंड्स. तो हम यहाँ पे मुंबई लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, तो अगर समझ लो कोलकाता ऐसे गिवन है, तो 1, 2, 3, 4 ये प्लेस पे जो होगा ए हो. ठीक है, समझ गए, ये यहाँ पे आपको समझने की बात है. ये समझ के एक और पॉइंट आपको मिल गया. ठीक है, कोलकाता, ए अटेंड सेमिनार कोलकाता एट लास्ट एमोंग हिज फ्रेंड्स. डी कंडक्ट सेमिनार इन दिल्ली एंड पुणे ऑन मंडे एंड थर्सडे. ठीक है, मंडे और थर्सडे तो आपको पता चल गया, लेकिन दिल्ली और पुणे इनमें से क्या क्या होगा ये आपको नहीं पता है, तो हम इसको लिख लेते हैं. पॉसिबिलिटी डी जो है दिल्ली और पुणे रिस्पेक्टिवली गिवन है, पुणे मंडे और थर्सडे, मतलब दिल्ली मंडे, थर्सडे पुणे. ठीक है, सी इज फर्स्ट एमोंग हिज फ्रेंड्स टू कंडक्ट सेमिनार इन कोलकाता, ये आपको पहले ही गिवन है, यहाँ पे सी होगा. ठीक है,
सेमिनार इन कोलकाता ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक आर शेड्यूल नीदर एट 10 AM नॉर एट 2 PM। कोलकाता ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, सिर्फ एक ही टाइम स्लॉट बचा है 6, यहाँ पे तो ऑलरेडी मुंबई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा वो कोलकाता होगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, ये ऊपर लिख देती हूँ मुंबई, ठीक है, कोलकाता मिल गया है, तो ये भी हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ए होगा, तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हमने यूज कर लिया है, ये अभी नहीं मिला है। दिल्ली और पुणे कहीं गिवन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा दिल्ली और पुणे है ये गिवन नहीं है। आगे देखते हैं, वी कंडक्टेड सेमिनार इन मुंबई नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे। अच्छा, बी जो है मुंबई की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे ना तो मंडे ना फिर थर्सडे, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो बी कहीं पे भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए हम ये कलर यूज कर लेते हैं, रेड कलर, ठीक है, बी या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, जो कंफर्म होगा वो इस कलर से हम करें, ठीक है। आगे कह रहा है, ए अटेम्प्ट्स टू सेमिनार्स कंसेक्यूटिवली, दैट इज वन इज कंडक्टेड ऑन लास्ट स्लॉट ऑफ द डे एंड द अदर वन इज कंडक्टेड इन द फर्स्ट स्लॉट ऑफ द नेक्स्ट डे। मतलब समझ रहे हो, इसको समझो पहले, मतलब अगर ए यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, मंडे यहाँ पे होगा तो ट्यूजडे, या फिर ट्यूजडे यहाँ पे होगा तो वेंसडे यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे थर्सडे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्सडे गिवन है तो यहाँ पे नहीं होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, इसलिए मैंने रेड से बना लिया, ठीक। आगे देखो, सेमिनार इन पुणे इज शेड्यूल्ड आफ्टर सेमिनार इन दिल्ली ऑन ईच डे, ये हमें मिल गया है, पुणे जो है आफ्टर दिल्ली है, तो दिल्ली यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे और पुणे यहाँ, ठीक है, ये मिल गया। डी डज नॉट अटेंड सेमिनार इन कोलकाता ऑन ट्यूजडे, कोलकाता ट्यूजडे डी नहीं होगा तो कब होगा, डेफिनेटली वेंसडे होगा। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था वो याद है, ए बी सी डी इस तरह से होगा, सी डी ए बी इस तरह से होगा, तो ये वाला इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूजडे नहीं होगा तो वेंसडे होगा, ये इसलिए बनाया, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब सी डी ए चला गया तो बचा यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे होगा, और अगर बी यहाँ पे है तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, बी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बी होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा तो बी डेफिनेटली यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आपको मिल गया। अच्छा, डी और बी तो मिल गया, अच्छा इसको अरेंज कर लेते हैं, दिल्ली और पुणे का आपको पता चल गया, दिल्ली में मंडे डी यहाँ पे और पुणे में थर्सडे डी यहाँ, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, डी सी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कंफर्म बी है ना, तो यहाँ पे देखो डी सी यहाँ पे दो प्लेसेस है ए और बी के लिए, राइट, ए और बी के लिए, तो यहाँ पे क्या बी होगा, क्योंकि यहाँ पे इस रो में ऑलरेडी बी चला गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए, और अगर यहाँ पे ए होता है तो इस तरफ ए यहाँ पे होगा, वो पॉसिबिलिटी हो गया खत्म, और डी सी ए गया तो बी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, डी ए यहाँ पे क्या होगा, डी ए सी होगा, है ना, सी और बी बचा है तो डेफिनेटली सी यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो सी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी गया डी, ठीक है, अब ए बी डी गया तो यहाँ पे सी, बी सी डी गया तो यहाँ पे ए, ठीक है, ए डी बी गया सी यहाँ पे, डी ए सी गया बी यहाँ पे, देखो कहीं पे भी सेम नहीं है ना, देख लो डी बी सी ए सी बी डी सी ए डी बी डी ए सी, तो ये हो गया पजल सॉल्व, बिल्कुल एक गेम पजल की तरह ये गिवन है। थोड़ा अगर आप समझ लो यहाँ से यहाँ तक, अगर समझ लो पहले जो लाइन था उसको समझ लो, और ये जो पजल है पूरा का पूरा अगर पजल समझ लो, तो ये बिल्कुल गेम पजल की तरह है, जो आप मोबाइल में खेलते हो बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप वही समझ लेते हो तो इसको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया पजल सॉल्व। चलो जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हु अटेंड सेमिनार इन दिल्ली ऑन मंडे, दिल्ली मंडे डी है, डी ए बी सी तो यहाँ पे है, डी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी सेमिनार्स आर कंडक्टेड बिटवीन ए सेमिनार इन दिल्ली एंड डी सेमिनार इन पुणे, ए सेमिनार इन दिल्ली, ए सेमिनार तो दिल्ली में नहीं, हाँ यहाँ पे है, एंड डी सेमिनार इन पुणे कह रहा है ना, डी डी पुणे में डी का सेमिनार यहाँ पे है, एक दो तीन चार ज्यादा है यहाँ पे देखो मोर देन 3 है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स,
सी अटेंड सेमिनार एट 10 AM ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे ट्यूजडे सी है, ठीक है, ये ठीक है। 10 AM ये गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, तो ये वाला होगा। ए सेमिनार इज शेड्यूल्ड इमिडिएटली बिफोर डी सेमिनार ऑन वेंसडे। डी सेमिनार ऑन वेंसडे, वेंसडे डी से जस्ट पहले है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट है, ये फॉल्स है, ये करेक्ट है। बी अटेंड सेमिनार इन मुंबई ऑन मंडे। बी मुंबई ऑन मंडे, बी मुंबई, मुंबई ऑन मंडे नहीं है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ए तो ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ए सेमिनार इज शेड्यूल्ड इमिडिएटली बिफोर डी सेमिनार ऑन वेंसडे। वेंसडे डी सेमिनार से पहले ही है, ये तो करेक्ट हुआ है ना, तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होगा। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ये कुछ गलत होगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी सेमिनार्स आर कंडक्टेड बिटवीन सेमिनार ऑफ बी इन कोलकाता एंड सी सेमिनार इन पुणे। बी कोलकाता, कोलकाता बी और सी सेमिनार इन पुणे। सी पुणे, पुणे सी, सी पुणे, इनमें तो कोई भी गैप नहीं है ना, नन होना चाहिए, नन, ठीक है। हु अटेंड सेमिनार एट 2 PM ऑन वेंसडे। 2 PM, 2 PM ये रहा वेंसडे ए, ठीक है, ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हो गया 5 क्वेश्चंस हो गए और ये हो गया पजल सॉल्व। आई होप आपको अप्रोच जो है अच्छा लगा होगा, जिस अप्रोच से मैंने सिखाया है बिल्कुल गेम पजल की तरह सॉल्व करके दिखाया है, आपने भी इसी अप्रोच से आई होप आपने सॉल्व किया होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।